हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे। बेटे अपन ने फंजाई वाला चैप्टर शुरू किया सीगा ना, फंजाई, किंगडम फंजाई। फंजाई दे अंदर अपन ने लास्ट क्लास, कल दी क्लास दे अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई डिस्कस करया सीगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन दे अकॉर्डिंग मैंने फंजाई नू फाइव कैटेगरीज दे अंदर डिवाइड करता सीगा। केड़ियां केड़ियां फाइव कैटेगरीज च डिवाइड किता सीगा, अगर मैं ओवरऑल देखा तो मैंने फाइव कैटेगरीज च डिवाइड करता सीगा, बट मैं बाद च उहदा एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन चार्ट भी बनवाया सी। ओवरऑल दे अंदर मैं क्या सीगा, फर्स्ट दे अंदर ओ माई सिटीज, जिन्हों ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फंजाई भी कहा जाता है, ओ माई सिटीज, ठीक है। सेकंड दे अंदर है जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, देन वी हैव इज द एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियोमाइसिटीज, एंड लास्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। कल मैं इन्हों डिटेल्ड क्लासिफिकेशन दे अंदर दसिया सीगा कि ए सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है या ए सैक्शुअल रीप्रोडक्शन नहीं है। वो बिहाफ से आप चार के अंदर तो जी सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन प्रेजेंट है, इस दे अंदर आपने कहा कि दिस इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ फंजाई जिदे अंदर ए सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, नॉट द सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है। दिस इज़ द ओनली क्लास, बट ये मनिया जाता है कि ये जो फीचर्स ने ना, ये जो फीचर्स ने दे आर सिमिलर, मोस्टली सिमिलर विद द एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो अगर ये अंदर ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सारी वो वाली फंजाई की कैटेगरी रखती जिन्हों के अंदर सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन हजे पता नहीं है, बट अगर आने वाले टाइम से पता चलिया तो आप मोस्टली उन्होंने करैक्टर्स के बिहाफ से एस्कोमाइसिटीज के अंदर शिफ्ट कर देंगे, वी विल शिफ्ट दैम टू द एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। कल मैंने फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ओमाइसिटीज के कुछ करैक्टर्स ने जोड़े वो दसे से, कुछ नहीं सारे ही दसते थे। मैं क्या सीगा कि दिस इज़ द क्लास ऑफ फंजाई जिड़ी कि एसेप्टेट है, ये अंदर कोई सैप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, एसेप्टेट, इट इज़ एसेप्टेट, मल्टी न्यूक्लियर, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर। फिर अपने यदा मोड ऑफ रीप्रोडक्शन देखा सीगा, एक इन्होंने सैल वॉल देखी सी, सैल वॉल में क्या सी, सेलुलोज दी बनी हुई है। दिस इज़ द ओनली क्लास ऑफ फंजाई जिदे कोल प्लांट लाइक सैल वॉल प्रेजेंट है, क्लियर। उस तो बाद मैंने क्या सीगा, एसेक्सुअल एंड सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन। एसेक्सुअल दे अंदर अपने क्या सीगा कि ये दो तरह के स्पोर्स फॉर्म करते, एक फ्लैजिलेटेड एक नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। सैक्शुअल दे केस दे अंदर अपने क्या सीगा कि इन्हां दे अंदर की होगा, स्पेशल कॉन्टैक्ट होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। एक बच्चे ने मेरे तो डाउट भी पूछा सीगा अज, मैं उहदा पहला तो उस बच्चे का डाउट क्लीयर करदा। एक बच्चे ने मैनू कहा सीगा कि गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट ते गैमिटेंजियल कपलेशन है जिहड़ा, इन्हां दे अंदर की डिफरेंस है। देखो बेटे दोनों के अंदर देखो सेम वांगू ही लगता है, जिहड़ा गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट होंदा, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, आ मेरे कोल स्ट्रक्चर गई मेल लाइक स्ट्रक्चर, आ मेरे कोल स्ट्रक्चर आ गई फीमेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जिहड़ा कॉन्टैक्ट होंदा उस केस के अंदर जिहड़ी फीमेल होंदी है वह नॉन मोटाइल है, फीमेल इज नॉन मोटाइल, मेल इत्थे पहुंचिया, मेल ने इत्थे पहुँच के जो ये कॉन्टैक्ट क्रिएट किया तो वह स्पैशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस ट्यूब के थ्रू यदा जिहड़ा न्यूक्लियस है वह बॉडी के अंदर चला जाता है। वन जिहड़ा कपलेशन होंदा है, ठीक है, गैमिटेंजियल अपने को ले दे अंदर की आ गया, दिस इज़ द बी, ए अपने को सीगा, दैट इज़ द गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, ए दिस इज़ कॉन्टैक्ट। कपलेशन दे अंदर की होंदा, दो सेल्स ने वो दोनों कॉन्टैक्ट चाहे, आ एक हाइफा जा रहा है, आ इहदा सेल है, ठीक है, आ मेरे को दूसरा हाइफा जा रहा है, ए इहदा सेल है, ये दोनों सेल्स जो कॉन्टैक्ट चाहे ना, इन्होंने कोई ट्यूब नहीं बनाई, ये फ्यूज कर गए सेल्स, द सेल्स फ्यूज्ड, फ्यूज करके इन्होंने इत्थे कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएट करती, दिस स्ट्रक्चर, ये आप खत्म हो गए, इन्हां दी अपनी आइडेंटिटी
लूज होगी, बट जिहड़ी इन्होंने स्ट्रक्चर बनाई सीगी वह स्ट्रक्चर हजे भी उत्थे प्रेजेंट है। क्लियर? वह स्ट्रक्चर ही नैक्सट जनरेशन नू लीड करूगी। बट इस केस के अंदर की है, जदों इहदा न्यूक्लियस इहदे अंदर ट्रांसफर हो गया तां ए सैल खत्म, बट ए सैल तां पुराना ही है ना, ए सैल तां एज इट इज़ रह रहा है ना, इहदे अंदर पेरेंटल सैल्स की आइडेंटिटी लूज होगी, जिहड़ी नवीं स्ट्रक्चर बनी है उह स्ट्रक्चर नैक्सट जनरेशन नू फॉर्म करूगी। क्लियर? दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड गैमेटेंजियल कपलेशन। क्लियर है? हुण आपां अज नैक्सट कैटेगरी डिस्कस करांगे बेटे, जाइगोमाइसिटीज। क्लियर? तां अज आपां नैक्सट कैटेगरी है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज की है बेटे, वह भी एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म ऑफ फंजाई है। ठीक है? इहदे अंदर भी सेम एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन दोनों होंदे हैं। ठीक है? बट इस कैटेगरी के अंदर अपने को की आ जाता है, वी हैव इज द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड फॉर द सेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन। उसके अंदर अपने की क्या सीगा कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होंगे, एक ट्यूब बनती है जिहड़ा मैं हुणे दस्सिया, ट्यूब के थ्रू सैक्सुअल रीप्रोडक्शन होंगी है। इसके अंदर की होंगे गैमेटेंजियल कपलेशन होंगे, बाकी सारे करैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, बट सिर्फ रीप्रोडक्शन वाला जिहड़ा डिफरेंस है वह इत्थे प्रेजेंट है। ठीक है जी? एक तो ये अंदर गैमेटेंजियल कपलेशन देखने को मिलेगा, दूसरा जिहड़े ये अंदर स्पोर्स बनेंगे ना फॉर द एसेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन, उहदे उपर कोई फ्लैजेला लग्या नहीं होगा, नॉन फ्लैजिलेट। ठीक है जी? नॉन फ्लैजिलेट स्पोर्स विल बी फॉर्म। सेकेंड कैटेगरी इज जू, वी हैव इज द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज द जाइगो माइकोटीना। मैं जू स्पोर्स बोलती जू ही लिखता, जाइगो माइकोटीना सेकेंड कैटेगरी ऑफ फंजाई। ठीक है? फंगल क्लासीफिकेशन की अंदर अपने क्या सीगा, सेप्टा प्रेजेंट एंड सेप्टा नॉट प्रेजेंट। कल याद है ना, कल अपने किता सीगा फंगल क्लासीफिकेशन, एसेक्सुअल रीप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रीप्रोडक्शन। एसेक्सुअल दे अंदर क्या सी, कल्ला ड्यूटेरोमाइसिटीज है, सेक्सुअल दे अंदर आपां इहनू फरदर डिवाइड करता सीगा एसेप्टेट एंड सेप्टेट। एसेप्टेट दे अंदर दो कीतियां सी कैटेगरीज, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज के फीचर्स आप कल कर ले सीगे, अज आप जाइगोमाइसिटीज के फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। जाइगोमाइसिटीज का फर्स्ट करैक्टर है, ये जिहड़ी फंजाई है, दिस इज द कैटेगरी ऑफ द फंजाई जिहड़ी कि सेम है। फर्स्ट करैक्टर तो आई हो गया, दिस इज एसेप्टेट, कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब वो इसिनोसिटिक कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएट काइंड ऑफ द कंडीशन। ये अंदर भी ओही सेम टू सेम जी एसेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन है, वो अंदर स्पोर एनजीओ स्पोर, मतलब स्पोर्स आर एंडोजीनस इन नेचर। ठीक है? हाइफा बनया, स्पोर गिरया, स्पोर जर्मीनेट होया, हाइफा दे उपर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई, दैट इज स्पोर एनजीओ स्पोर। तो वो अंदर जी स्पोर्स बनने ना, हूँ ये उपर कोई फ्लैजेला नहीं लग्या होया। पिछले दिन अंदर अपने की किया सीगा कि अगर वो टेरिस्ट्रियल है या वो एक्वैटिक है, टेरिस्ट्रियल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा, एक्वैटिक है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। इस कैटेगरी के अंदर किसी च भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा, दे ऑल विल बी ए फ्लैजेलेट विदाउट द फ्लैजेला। दिस इज द वन डिफरेंस, ए ब्रेक होगा, स्पोर्स ने जेडे दिस विल रपचर, स्पोर्स ने जेडे वो लिबरेट हो जाएंगे तो नवे नवे फंजाई नू जन्म देंदे जाएंगे। क्लियर? हुण आ जाओ जी, जिहड़ा सैक्सुअल कॉन्टैक्ट है वो किवें होगा, वो अंदर आपने की किया सीगा गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है? वो अंदर आपने की किया सीगा गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट किया, तो इसके अंदर अपने को है गैमिटेंजियल कपलेशन। ठीक है? गैमिटेंजियल कपलेशन इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन। गैमिटेंजियल कपलेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करके ही इस फंजाई का दूसरा नाम की है, कॉन्जुगेशन फंजाई भी पै गया। ठीक है जी? इस फंजाई का दूसरा नाम है कॉन्जुगेशन फंजाई। मीन्स अगर आपको पेपर च क्वेश्चन आए
एस वट इज द अनदर नेम ऑफ जाइगोमाइसिटीज दैन इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन फंजाई. ये अंदर हों की है जेडे अपने कोल आ स्पोर है ये जर्मीनेट किया स्पोर जर्मीनेट किया तो की होया मैं डिटेल च बना रही हूँ इतें ये स्पोर जर्मीनेट किया इन्हें पहला प्राइमरी हाइफा बनाया. ठीक है प्राइमरी हाइफा बनाया हूँ अपने कोल की होया ये उपर स्पेशल सैल्स बनने शुरू हो गए. ठीक है जी आ मेल की तरह एक्ट करूगा आ फीमेल की तरह एक्ट करूगा. जिहड़े सैल्स ने ना वो आपस च फ्यूज हो जाएंगे सैल्स फ्यूज कर गए आपस च फ्यूज कर गए कपलेशन. इत्थे आ सैल अपने आप नू लेटर ऑन खत्म कर दूगा आ सैल अपना मतलब दोनों सैल अपना अपना सारा समान सेंटर च एक स्ट्रक्चर बनाने च लगा देंगे दैट विल बी द स्पोर लाइक स्ट्रक्चर. इत्थे आ इत्थे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन गई जदों ये स्ट्रक्चर बन गई ए सैल भी खत्म दिस इज गैमेटेंजियल कपलेशन. कॉन्टैक्ट के अंदर की सीगा कॉन्टैक्ट के अंदर ट्यूब बनी सी ए अंदर ट्यूब नहीं बनूगी ए अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सैल बनूगा. ठीक है जी स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनूगी तो ये की अपने को करैक्टर्स हो गए ये अंदर एसेप्टेट है यदि सैल वॉल काइटिन की बनी हुई है एसेक्सुअल रीप्रोडक्शन के अंदर सेम ए फ्लैजिलेट स्पोर एनजीओ स्पोर्स बनने एंड सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है जी बेटे वो अपने को होगा दो नॉन मोटाइल गैमीट्स आपस च क्लोज कॉन्टैक्ट आएंगे तो वह की करे गैमेटेंजियल कपलेशन करे. क्लीयर ऑल द करैक्टर्स आर ओवर ये अपने को एग्जाम्पल्स ने राइजोपस सिंपल कॉमन एग्जाम्पल जो अपने घर जिन्होंने ब्रैड मोल्ड कहते हैं आप रोटी भुल गए वो उपर स्पोर्स ग्रो करने शुरू हो गए दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द जाइगोमाइकोटीना और कॉन्जुगेशन फंजाई. क्लीयर नैक्सट वी हैव इज़ द एस्कोमाइसिटीज थर्ड कैटेगरी. हूँ फिर मैं एक बार क्लासीफिकेशन दसूँगी थोड़े दिमाग दे मैं इन्नी बार दस दूँगी कि थोड़े दिमाग के अंदर क्लासीफिकेशन वाला चार्ट है ना जो फिक्स ही हो जूगा थोड़ा लर्न करन की जरूरत ही नहीं पैनी. ठीक है दो दो तीन तीन करैक्टर अपने जिहड़े जनरल फीचर्स ने अपने चार्ट चो ही निकल रहे ने अपने सिर्फ रीप्रोडक्शन ही तो याद करनी है कि सैक्शुअल रीप्रोडक्शन किमें हो रही है ए सैक्शुअल रीप्रोडक्शन किमें हो रही है एंड वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फंजाई. ठीक है तो हूँ अपने को फिर आ जाओ क्लासीफिकेशन चार्ट ते छोटा जा चार्ट दोबारा बनाने क्लासीफिकेशन. हूँ अपने क्लासीफिकेशन के अकॉर्डिंग कहा ए सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन ओनली एंड सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन ओनली अपने सैक्शुअल वाला स्टार्ट किया अपने क्या सैक्शुअल रीप्रोडक्शन वाला असं पहले पढ़ा हूँ अपने को आया कि जो सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है फिर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लो सैप्टेट एंड ए सैप्टेट. हूँ अपने दो कैटेगरीज डिस्कस कर लिया ए सैप्टेट के अंदर दो केड़े आए ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज. क्लीयर है अपने दो डिस्कस कर ले ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज मैंने दोनों डिस्कस करते वी हैव इज द ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज दोनों के करैक्टर्स हो गए ओमाइसिटीज दे भी डिस्कस कर ले रीप्रोडक्शन डिस्कस होगी जनरल बॉडी डिस्कस होगी एंड जाइगोमाइसिटीज दे भी डिस्कस कर ले. नैक्सट कैटेगरी है ना जी सैप्टेट है सैप्टेट के अंदर भी दो कैटेगरीज आ रही ने कि आ रही एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज कि दो कैटेगरीज ने एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. ठीक है नाम एक बार च याद नहीं होंगे ना इस करके बार बार बोल रही हूँ ताकि थोड़े दिमाग च बैठ जा कि जिदे पिछे माइसिटीज लगे है वह मतलब है फंजाई बेसिडियो माई सिटीज दिस इज एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज. लास्ट च की पढ़ांगे ड्यूटेरोमाइसिटीज. क्लियर है दो कैटेगरीज पढ़ लिया एक दे अंदर की हो रहा है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हो रहा है एक दे अंदर की हो रहा है गैमेटेंजियल कपलेशन हो रही है बाकी सारे करैक्टर तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही सीगे एक दे अंदर जो एसेक्सुअल रीप्रोडक्शन करता है तो फ्लैजेला लग्या होया स्पोर के उपर दूसरे के अंदर फ्लैजेला नहीं लग्या होया स्पोर्स के उपर. क्लीयर हूँ आप हायर ऑर्डर फंजाई वाल आ गए हूँ आप कितने आ गए हायर ऑर्डर फंजाई वाल आ गए हायर ऑर्डर फंजाई के अंदर आप फर्स्ट डिस्कस करांगे एस्कोमाइसिटीज. एस्कस वर्ड का मतलब होंगे सुराही. ठीक है मतलब एक तरह का अं लगा लो सैक बन जाना सैक
लाइक सैक का मतलब की होंगे जिमें मेरे को गोल गोल स्ट्रक्चर है गोल है पूरी उपरों की भी बंद है जिमें बच्चों के कई टॉयज होंगे ना उपरों की चक लेंगे फिर थलों की कप जहा खुल जाए बॉल है एक बॉल है उन्होंने मैं विचालों कटदा तो बिचों एक सैक क्रिएट हो जूगा ना एक जगह प्रेजेंट है दैट इज़ द सैक लाइक फंजाई ठीक है ये नाम तो अपन की पता चलिया कि सैक का मतलब की है जिड़ी कप लाइक फंजाई हो कप ठीक है एसको माई सिटीज जनरल फीचर्स के अंदर तो उ फीचर्स ने कि ए भी ये जिहड़ी फंजाई है ये सैप्टेट है सैप्टेट का मतलब की है कि हर एक दे अंदर सैप्टा प्रेजेंट है सैप्टा सिंपल है कोई डिजाइनर सैप्टा नहीं है सैप्टा दे अंदर कुछ कुछ सिक्रीशंस ने जिहड़ियां वो हो सकदियां ने मैं डिटेल च बना रही हाँ दिस इज सैप्टेट फंजाई सैप्टा इज सिंपल टाइप ऑफ सैप्टा ठीक है आ हाइफा है फंजाई का आ सैप्टा है कोई डिजाइन नहीं बनया बट विच विच कुछ प्लग्स ने जिहड़े वो हो सकते हैं प्लग इहदा काम की है प्लग्स का काम की है मान लो नीचे आ खाण पीन लई समान पिया सी सबस्ट्रेटम पिया सी तो जदों एक सैल ने खा लिया खाना ठीक है आइदा न्यूक्लियस है ये इस प्लग के थ्रू ये प्लग है जिहड़ा वो उस फूड नू उपर लेके जाण च इहदी हैल्प करता है ठीक है तो यह प्लग के थ्रू मटीरियल है जिहड़ा फूड मटीरियल वो उपर चला जाता है क्लीयर तो यह अपने कोल जनरल फीचर्स के अंदर यह सैप्टेट है ए सिंपल सैप्टा है जिहड़ा इहदे अंदर प्रेजेंट है बट इहदी बॉडी इज मल्टी सैलूलर बॉडी मल्टी सैल्ड बॉडी है यूनीसैलूलर नहीं है फंजाई आर मल्टी सैलूलर स्ट्रक्चर्स ठीक है हुण जिहड़े एस्कोमाइसिटीज ने ना ये अपने कोल सारे मल्टी सैलूलर है बट इहदे अंदर एक एक्सैप्शन है एक्सैप्शन है वो किहड़ी है यीस्ट यीस्ट इज द एक्सैप्शन ठीक है कल्ला यीस्ट है जिहड़ा कि यूनीसैलूलर है ऑल अदर आर मल्टी सैलूलर ऑल अदर आर मल्टी सैलूलर किनू छड़ के सिर्फ ते सिर्फ यीस्ट नू छड़ के ठीक है जी हुण इहदे अंदर की हुंदा है जनरली मेजोरिटी जिहड़ी है फंजाई ओहो जदों ए सैक्शुअली रीप्रोड्यूस करते इहदी जिहड़ी सैल वॉल है वह काइटिन की बनी हुई है मेजोरिटी जदों ए सैक्शुअली रीप्रोड्यूस करती है तो कोनीडियोस्पोर्स बनाती है मैं थोड़ा फर्स्ट क्लास से दसिया सी वट आर कोनीडियोस्पोर्स कोनीडियोस्पोर्स की होंगे आ फंजाई की मेन बॉडी है आ हाइफाज ने ये उपर कुछ एवें दियाँ स्ट्रक्चरस बनिया उहदे उपर एवें गोलियां 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 प्रेजेंट है गोल 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 स्पोर्स प्रेजेंट है ठीक है ये गिरनगे जर्मीनेट कर जाएंगे लेकिन जिहड़ा ईस्ट है ना जिहड़ा ईस्ट है एक ही करता है बडिंग करता है तुसी लोअर क्लासेस तो पढ़ते आए हो ना टेंथ क्लास के अंदर जो ए सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन पढ़िया सी ईस्ट है जिहड़ा वो किवें डिवाइड करता है तो आप क्या सी आई ईस्ट है ये अपनी बॉडी के उपर एवें एक बड बना लैंदा ये बड गिरती है नवा जीव नवा ईस्ट बन जाता यानी कि इकला ही एक्सैप्शन है बाकी सारे इस मैथड के नाल रीप्रोड्यूस करेंगे ए सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन के अंदर की बनेंगे कोनीडियो स्पोर्स बनेंगे इस स्ट्रक्चर नू क्या कोनीडियो फोर की है आ मेन बॉडी है एक कोनीडियो फोर है इहदे उपर 0000 लगे हुए है दे आर कोनीडियो स्पोर्स फोर इज पेरेंट बॉडी स्पोर इज जिहड़ा अगे नैक्सट जनरेशन फॉर्म करूगा ठीक है हुण इहदी बॉडी दे अंदर ना जिहड़ी सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है दैट इज़ क्वाइट इंट्रस्टिंग ठीक है क्वाइट इंट्रस्टिंग थोड़िया बुक्स के अंदर उहदा फ्लो चार्ट है जिहड़ा दैट इज़ नॉट गिवन ठीक है बुक्स के अंदर फ्लो चार्ट है जिहड़ा दैट इज़ नॉट गिवन आपां उहदा फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं कि फंजाई किवें किवें मल्टीप्लाई करती है ठीक है इहना एक एसकस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिन्हों फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं उहदे च स्पोर्स गिरते हैं ठीक है वह स्पोर्स फ्यूज करते हैं उस स्पोर्स फ्यूज करनगे दे विल एक्ट लाइक अ मेल एंड फीमेल मैं चार्ट की फॉर्म से समझानी हूँ फिर बहुत वधिया समझ आऊगा नहीं क्लीयर होया तो आप दोबारा देखांगे क्लीयर हो गया ये मल्टी सैलूलर ने इन्हों को सैप्टा है जिहड़ा वो प्रेजेंट है
क्लियर। एसेक्सुअली रीप्रोड्यूस करते हैं तो इन्हों को कोनिडियोस्पोर्स प्रेजेंट है। सैक्सुअल रीप्रोडक्शन है जिहड़ी वह किवें होंदी है, ठीक है। आपां सैक्सुअल रीप्रोडक्शन का फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। ये अपने को ना कुछ एवें दी इहदी मेन बॉडी है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी कह देंदे उहनू, आ फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। ये शुरू शुरू च है, हाइफा दे उपर बन गई फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। मैं वापस इत्थे ही लैके आऊँगी। साइकिल का मतलब यही होंदा है, थोड़े दिमाग च आ रहा होना ना भी आ स्ट्रक्चर किवें बनया, तो आप आ स्ट्रक्चर से वापस आवेंगे। हुण इहदे अंदर की है, स्पोर्स प्रेजेंट ने, एस्कोस्पोर्स, एस्कस है तो एस्कोस्पोर्स है, ठीक है जी। ये स्पोर्स ने ना जिहड़े ये डिस्पर्स होए, ये स्पोर्स गिर गए, क्लियर। स्पोर्स हवा नाल या किसी भी मैथड नाल डिस्पर्स हो गए। हुण वो स्पोर्स ने ना जिहड़े उन्होंने डिस्पर्स हो गए, इन्ने डिस्पर्स होके एक अपनी स्ट्रक्चर क्रिएट कर ली, हाइफा बना लिया। आ नीचे प्राइमरी हाइफा है, आ उपर सेकेंडरी हाइफा है। ए वाले स्पोर ने अपना स्ट्रक्चर है जिहड़ा वह क्रिएट कर लिया। लो जी, इन्हें अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करता। हुण की होया, वट विल हैपन, हुण कुछ स्पोर्स इत्थों दी आए, उन्होंने एसेक्सुअल रीप्रोडक्शन करना शुरू करता। कुछ स्पोर्स गिरे, वो एसेक्सुअली कोनिडियोस्पोर्स गिरे, वो अपनी गिरे, जर्मीनेट किते, फिर स्पोर्स बनाए, फिर गिरे, फिर जर्मीनेट कर गए, ठीक है। जिहड़े बाकी ने ए वालियां जिहड़ियां स्ट्रक्चर्स ने, ये की करदियां ने बेटे, यह एक इन्हां चों कुछ ने ना जिहड़े वो इस तरीके दे नाल एज आ मेल एक्ट करन लग जांदे है, कुछ ने जिहड़े वो एज आ फीमेल एक्ट करते हैं, क्लीयर। जिहड़ा तां मेल की तरह एक्ट किया उहनूं मैं क्या एंथरीडियम, एंथरीडियम, ठीक है। जिन्हें फीमेल की तरह एक्ट किया उन्हों में क्या एस्कोगोनियम, उन्हों में की क्या एस्कोगोनियम। हुण की होया, हुण ये दोनों एक दूसरे दे कॉन्टैक्ट च आ गए, ठीक है। इन्हों दोनों ने कॉन्टैक्ट लिया, तो जिहड़ी नीचे स्ट्रक्चर है ना, उपर जिहड़े जिहड़े सैल्स कॉन्टैक्ट च आए, आ दोनों कॉन्टैक्ट च आए, इन्हां दी प्लाज्मोगैमी हो गई। जिहड़ी नीचे स्ट्रक्चर है ये हैपलॉइड है, हैपलॉइड मतलब सिंगल सैल्ड है, ये सिंगल सैल्ड सीगे, नीचे उही है, सिर्फ उपर ही फ्यूजन हुई ना, उपर फ्यूजन हुई, उपर सैल्स ने फ्यूज़ कर लिया, इत्थे आ दो सैल्स बन गए, ठीक है। हुण ये दो सैल्स ने ना जिहड़े ये फ्यूज़ होके सिंगल सैल्ड डबल, अपने को स्ट्रक्चर है जिहड़ी वह बनाने तो पहले ये एवें दी फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट कर लेंदे हैं, एवें दी फ्रूटिंग बॉडी। उहदे अंदर आ 2n स्पोर्स ने, 2n फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, 2n है, नीचे n स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, मतलब ये अजीब ही है, ये अद्धी बॉडी n है, अद्धी बॉडी 2n है, अद्धी बॉडी नीचे वाली n है जिहड़ी फ्यूज्ड होगी वो 2n है, ठीक है। हुण जिहड़े आ 2n स्पोर्स ने ना, ये डिस्पर्स हो जाते हैं, ये फिर गिर गए, ये 2n है। हुण ये 2n स्ट्रक्चर मियोसिस करती है, मियोसिस मतलब ये अंदर चार सैल्स बना लेंदी है, ठीक है। हुण वो चार सैल्स ने जिहड़े वो फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, वो फिर लेटर ऑन एवें दी स्ट्रक्चर क्रिएट करते। सिंपल, दो सैल्स सीगे वो आपस के अंदर गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट दे नाल या कपलेशन दे नाल या किसी होर मैथड दे नाल कॉन्टैक्ट च आए, कोई भी मैथड नाल सैक्सुअली रीप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन गो फॉर गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, दे कैन गो फॉर कपलेशन, दे कैन गो फॉर स्पर्मेटाइजेशन। वो की सीगा भी आ फीमेल प्रेजेंट है, कोई स्पोर उड़दा उड़दा आया, वो फीमेल दे नाल कॉन्टैक्ट च आया, इतने 2n स्ट्रक्चर बन गया। दैट इज पहला प्लाज्मोगैमी, दैन कैरियोटाइजेशन, ठीक है जी। उन्होंने न्यूक्लीअस है जिहड़ा वो फिक्स होगा, फिर की होगी मियोसिस होगी, ठीक है। इहदे अंदर की हुंदा है, इहदे अंदर प्लाज्मोगैमी है जिहड़ी, दैट इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द कैरियोगैमी। ये सैल कुछ देर तक इसे स्ट्रक्चर च ही रहिंदा है, दो न्यूक्लीअस वाली स्ट्रक्चर दे अंदर। ताही मैं कहा ना, अद्धी बॉडी हैपलॉइड है, अद्धी बॉडी डिप्लॉइड। एम आई ओके? दिस इज द एस्कस लाइक फंजाई, दैट इज नोन एज एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि ये उपर एवें दी स्ट्रक्चर बन गई, फ्रूटिंग बॉडी बन गई। इनू फ्लार नहीं कहना आपने, क्योंकि फ्लार तो है ही नहीं, हजे प्लांटे तो आया ही नहीं हैगा, तो ये उपर फ्रूट लाइक बॉडी बनी, जिन्होंने आप फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं, जिदे अंदर स्पोर्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट होंगे,
ठीक है जी। तो अपने कोल बेटे एक बार फिर मैं दोबारा ये सारे करैक्टर्स थोनों रिपीट कर रही हूँ। ये सब तो लार्ज ग्रुप है फंजाई का, जिदे अंदर 30,000 के अराउंड स्पीशीज ने जिहड़ियां वो इनकलूडिड ने। इनू आपां सैक फंजाई भी कहने, ये जनरली मल्टी सैलूलर है, ठीक है। ये सैप्टा के अंदर सिंपल स्पोर्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट है। जदों ये एसेक्सुअल रीप्रोडक्शन करते हैं तो एक कोनीडियो स्पोर्स या कोनीडियाज फॉर्म करते, गोल 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 स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। जदों ये सैक्सुअली रीप्रोड्यूस करते हैं तो ये कोई भी मैथड फॉलो कर लेंगे। दे कैन ईदर गो फॉर द गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, दे कैन गो फॉर द गैमिटेंजियल कपलेशन, दे कैन गो फॉर द स्पर्मेटाइजेशन कि एक स्पर्म उड़दा उड़दा आया, स्पोर उड़दा उड़दा आया, वो किसी भी सैल के नाल कॉन्टैक्ट आया, उन्हें 2N स्ट्रक्चर बनाता। फिर वो जो 2N स्ट्रक्चर है वो थले तो N है, उपर वो 2N है, थले N है उपर 2N है। जो 2N वो फ्रूट बना लेंदा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेंदा, नॉट द फ्रूट लाइक द फ्रूट बना लेंदा। फिर उस फ्रूट के अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो उस स्पोर्स के अंदर हुन प्लाज्मोगैमी होगी, मतलब ये अंदर जिहड़ी सैल्स ने वो कॉन्टैक्ट च आ गए, बट उन्हों का न्यूकलीअस बहुत देर तक 2N ही पिया रहा, 1N, N प्लस N, N प्लस N, N प्लस N पिया रहा। बहुत देर बाद जाके वो 2N बनता, बहुत देर बाद जाके वो 2N बनता है। फिर उस 2N तो नैक्सट स्ट्रक्चर्स ने जिहड़ियां वो इवॉल्व होंगी। क्लियर है? फ्लो चार्ट थोड़े सिलेबस के अंदर नहीं है, बट मैं चाहती सी कि थोड़ा समझ आ जाए, दैट इज़ वाई एक्सप्लेनड इन द डिटेल, ठीक है जी। तो इन्हों के जनरल फीचर्स हो गए। हूँ अपने कोल है नैक्सट इज़ द एस्कोमाइसिटीज़ दिया एग्जाम्पल्स। एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर ना एक होर स्पैशल करैक्टर भी है, वो भी मैं दस दिनी हाँ। एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर ना जो स्पोर्स बनते हैं ना काफ़ी कलर्स के बनते हैं, ग्रीन, रेड, पिंक, ऑरेंज, कई तरह के स्पोर्स। तो इनू कलरफुल फंजाई भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो जिन्या भी अपनी मेडिसिनस ने ना, लाइक पेनिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई तो बनती है ना पेनिसिलिन, तो वो इस कैटेगरी नू बिलोंग करता है, ठीक है। एस्परजिलस सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट इज़ द पेनिसिलियम नोटेटम, सेकेंड इज़ द एस्परजिलस, दैट ऑल्सो बिलोंग टू द एस्कोमाइसिटीज। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बेटे, नेक्स्ट वी हैव इज़ अ सिंपल जी फंजाई है बिल्कुल ही, सब तो थोड़ी जी कॉम्प्लीकेटिड है जिहड़ी, वो एस्कोमाइसिटीज़ है। कॉम्प्लीकेटिड तो है नहीं कि बस ये अंदर इन्ना याद रखना है कि जिहड़ा सैल है वो सैक्सुअल रीप्रोडक्शन किवें करदा है। मैं एक बार फिर आई एम रिपीटिंग अगैन, ठीक है। करैक्टर सिंपल ने, काइटिन का बनया हुआ है, मल्टी सैलूलर है, सैप्टा प्रेजेंट है, सैप्टा भी सिंपल है, सैप्टा के अंदर पोर्स प्रेजेंट है, पोर्स के अंदर स्पेशल सिक्रीशनस ने। एसेक्सुअली रीप्रोड्यूस करना तो कोनीडियाज बना रहा है। हूँ जो सैक्सुअली रीप्रोड्यूस करना उदों किवें करना, कि सैल किसी भी मैथड नाल कॉन्टैक्ट आए प्लाज्मोगैमी, सैल्स कॉन्टैक्ट आए प्लाज्मोगैमी, बट वो सैल्स के न्यूकलीअस ओवें ही पे रहनगे, वो फ्यूज नहीं होंगे, मतलब दैट विल बी फॉर द लोंग ड्यूरेशन ओवें ही पे है, ठीक है। हुण इन्हें 2N के अंदर ही की किया, फ्रूटिंग बॉडी बना ली, ठीक है। नीचे N है उपर 2N है, फ्रूटिंग बॉडी जदों बनी तो वह जो न्यूकलीअस सीगा वह फ्यूज हो गया, 2N बन गया। हुण वह 2N स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, वो डिस्पर्स होंगे तो पर 2N ने फंजाई तो आप कहने N होंदी है, ठीक है। हुण वह जिहड़े 2N स्पोर्स ने, दे विल अंडरगो द मीओसिस। बस आपां पहले ही कहा सी सैक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टैप्स ने, प्लाज्मोगैमी दैट विल बी फॉलोड बाय द कैरियोगैमी, एंड कैरियोगैमी विल बी फॉलोड बाय द मीओसिस। क्लियर है? ओके है, उन्हें तक हूँ आप चलेंगे नैक्सट, दैट इज़ द थर्ड, अज की क्लास की थर्ड कैटेगरी है बेसीडियोमाइसिटीज़। इंट्रस्टिंग है बेसीडियोमाइसिटीज़ किमें, इनू क्लब फंजाई भी कहते हैं। बेसीडियोमाइसिटीज़ इज ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई। क्लब किमें, जिहड़ी तुसी फंजाई खाने हो ना, मशरूम जिन्हों आप कहने, दैट बिलोंग टू द बेसीडियोमाइसिटीज़ कैटेगरी। बहुत ही सिंपल जी फंजाई है बेचारी, कुछ भी नहीं करती, इस सोमैटोगैमी करती है। सोमैटोगैमी का मतलब की है, सैक्सुअल रीप्रोडक्शन तो सिंपली स्पोर्स बनाऊगी, डिस्पर्स कर दूगी। एसेक्सुअल, सैक्सुअल च की करती है, कोई भी दो सैल, एनी टू सैल्स, एनी टू सोमैटिक सैल, कोई स्पैशल सैक्स सैल्स नहीं बनते ये अंदर। जिमें आपने क्या एस्कोगोनियम, एंथ्रोगोनियम, ठीक है, आप मेल एंड फीमेल सैल्स के नाम दसे सी ना, ये अंदर कोई स्पैशल सैल्स नहीं बनता, एंथरीडियम एस्कोगोनियम नहीं बनते, कुछ नहीं बनता ये अंदर। ये अंदर कोई भी आ हाइफा जा रहे सी दो, एक
क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए, मान लो आई हाइफा जा रहे हैं, मान लो आई हाइफा जा रहे हैं, आ दूसरा हाइफा जा रहे हैं, ठीक है, जिथे इन्हों के दोनों के सैल्स इतने एदा सैल सी इहदे उपर इहदा आ गया, आ दो सैल्स मिल गए, बाकी सारे सैल्स एन एन ने, एक कल्ला सैल की बन गया 2n बन गया, जिहड़ा सैल 2n बनिया हुण उह अपने उपर एवें दी फौज बना लैंदा, लो जी बेसीडियो कार्प बना लैंदा, जिवें फंगस एवें ही हुंदी है ना, एक नीचे डंडी हुंदी है उपर एक छतरी जी लगी हुंदी है, फिर उहदे अंदर एवें गिल्स प्रेजेंट हुंदे ने, इन्हां गिल्स दे उपर की हुंदे ने स्पोर्स, जिन्हूं बेसीडियो स्पोर्स कहिंदे ने, अगर इन्हें एसेक्सुअल रीप्रोडक्शन करनी है तो स्पोर्स उड़ जाएंगे, नहीं तो स्पोर्स भी फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ द फंजाई, क्लब फंजाई कहते हैं। तो अपने को आ गया नैक्सट कैटेगरी इज बेसीडियो माइसिटीज, बेसीडियो माइसिटीज, बेसीडियो माइसिटीज इज ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई। ये अंदर जरूरी नहीं हुंदा कि जिन्निया भी तरह दिया फंजाई दुनिया च ग्रो कर रही ने तुसी वह सारिया ही खा सकते हो, कुछ फॉर्म ऑफ फंजाई होंगे जिमें कि एगैरिकस तुसी खा सकते हो, बाकी इन चो कुछ पॉइजनस भी होंगे ने, वो पॉइजन क्रिएट कर दिया ने, कुछ फंजाइज ने जिहड़ियां वो पैरासिटिक भी होंगे ने, प्लांट्स नू डिजीजेस भी कॉज कर दिंदियां ने, ठीक है, ये ग्रो कित्थे करनगे उन्हां तुहानू पता ही है, जदों भी रेनी सीजन आंदा है धरती के अंदर फालतू समान पिया हुंदा है, जिथे भी प्लांट्स के गले सड़े पत्ते प्रेजेंट होणगे तां ये सैप्रोफिटिक है, जिथे भी गलिया सड़िया समान पिया इन्होंने अपने आप नू ग्रो कर लेना है, ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ फंजाई है, सैप्रोफिटिक फॉर्म ऑफ द फंजाई है, बट इन चो कुछ फॉर्म्स ने जिहड़ियां वो पैरासिटिक भी हुंदियां ने, कुछ फॉर्म्स पॉइजनस ने, कुछ फॉर्म की ने सैप्रोफिटिक ने, ठीक है जी। इन दे अंदर एक स्पेशल फिनोमिनन है, ये की करती है ये फंजाई, कुछ फंजाई ना सिर्फ सैलुलो अपने क्या काइटिन की बनी हुंदी है, इहदी सेल वॉल भी अपने कोल काइटिन की बनी हुई है, हुण इहदा एक स्पेशल कंपाउंड है, इन्हें प्लांट के अंदर लिगनिन होंगे, एक स्पेशल कंपाउंड हार्ड कंपाउंड होंगे प्लांट के अंदर लिगनिन, यू भी तोड़ देंदी है, ठीक है, इट हैज़ द पावर कि अपने माइसीलियम नू अंदर तक घुसा देंदी है प्लांट दे, दैट इज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंजाई कि इट कैन ब्रेक द सेलुलोज एज वैल एज लिगनिन, लिगनिन नू भी ब्रेक कर देंदी है, दिस इज़ द क्लब फंजाई, सेम करैक्टर्स ने, इट इज़ सेप्टेट मल्टी सैलुलर, इट इज़ सेप्टेट मल्टी सैलुलर, ठीक है जी, ओके। तो ये अपने बेसिक फीचर्स के अंदर दो आ गए, सैल वॉल है जी काइटिन की बनी हुई है, तो अपने को बेसीडियो माइसिटीज है जोड़ा वो 1100 तो लैके 25,000 तक स्पीशीज ने जड़िया वो प्रेजेंट ने, तो अपने कोल ए अंदर की है, ये जनरली की करती है अपने कोल, इट हैज़ इज एसेक्सुअल एज वैल एज सैक्सुअल, बोथ मैथड ऑफ रीप्रोडक्शन आर देयर, यदि एक स्पेशल प्रॉपर्टी होंगी जो ये सैक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन करती है ना, सैल्स आपस च फ्यूज होए एज आई टोल्ड यू नाउ, तो ये एक स्पेशल क्लैम्प कनैक्शन बनाती है, क्लैम्प कनैक्शन की होंगे, कुछ सैल्स उन्होंने आई ना लगे भी साढ़े सैल्स की डिवीजन प्रॉपरली नहीं हो रही, मान लो आ 2n स्ट्रक्चर सीगा, ये 2n गिरिया जाके इन्हें स्पोर बनाया, ठीक है, ये 2n स्ट्रक्चर ने कुछ एवें का स्ट्रक्चर बनाया, फिर उत्थे स्पोर्स लगने शुरू हो गए, ठीक है, हुण ये की करदी है कि मेरा हर सैल ग्रो करे तो यह हुक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करदी है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, उन्हां हुक लाइक स्ट्रक्चर्स नूं आपां कहिंदे आ क्लैम्प कनैक्शन, दे आर कॉल्ड एज द क्लैम्प कनैक्शन, वो सिर्फ इसे फंजाई के अंदर ही देखने मिलते हैं, ठीक है जी। तो बेसीडियो माइसिटीज की एग्जाम्पल मैं क्या सी एगैरिकस, ठीक है, उस तो इलावा एमेंशिया कहते हैं, एमेंशिया इज पॉइजनस फॉर्म ऑफ द फंजाई, ठीक है जी, पॉइजनस, ठीक है, डेडली पॉइजनस भी कह देंगे, तो अपने को फस्ट है, ये अंदर भी जेडे माइसीलिया ने वो बनते हैं वो सैप्टेट ने, हाइफे आर सैप्टेट, बट ये अंदर सैप्टा केड़ा है डिजाइनर है, किड़ा डिजाइन किया सी आपां ने फर्स्ट क्लास डॉलीपोर लाइक सैप्टा, ठीक है जी, दे हैव इज द स्पेशल टाइप ऑफ द सैप्टा कॉल्ड एज डॉलीपोर सैप्टा, डॉलीपोर सैप्टा, किवें दा सी डॉलीपोर सैप्टा अगर पढ़िया तो एवें करके डिजाइन बन जाता है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है जी, डॉलीपोर सैप्टा,
हुण उस तो बाद इहदे अंदर की है, अगर इहदे कोल एसेक्सुअल रीप्रोडक्शन है तो मैं हुणे ही कहा कि यह बेसी ये की करती है बेसीडियोस्पोर्स बनाती है, स्पोर्स का नाम की है बेसीडियोस्पोर्स। बट अगर ये सैक्सुअल रीप्रोडक्शन करती है तो ये अंदर कौन सी सैक्सुअल रीप्रोडक्शन है, सोमैटोगैमी। कोई भी सोमैटिक सैल्स आपस च फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी, कोई भी सोमैटिक सैल्स आपस च फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सैक्सुअल रीप्रोडक्शन इनवॉल्व सेम प्रोसैस है, प्लाजमोगैमी, कैरियोगैमी एंड मीओसिस, ठीक है। हुण अपने कोल इहदे अंदर क्लैंप कनैक्शन ने जिहड़े वो बनते हैं, एंड आपां ने इहनां दीआं एग्जाम्पल्स ने जिहड़ियां वो दो करनियां ने, एगैरिकस के है एक तां मैं एक मैं क्या एमेंशिया, ठीक है जी, दो एग्जाम्पल्स। हुण अपने कोल नैक्सट है बेटे ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज जिहड़ी है वो सिंपल फंजाई है, उहदे अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, वो कोई सैक्सुअल रीप्रोडक्शन ही नहीं करती। बस आप हूँ तक कहानी की पढ़ रहे हैं, सैक्सुअल रीप्रोडक्शन वो अंदर सैक्सुअल रीप्रोडक्शन ही नहीं हैगी, तो वह ही करैक्टर है, ठीक है। दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज वो फंजाई है जिदे अंदर सेप्टेट हाइफे प्रेजेंट है, बट बहुत तरह के स्पोर्स फॉर्म करती है, कुनीडियोस्पोर्स, ओइडियोस्पोर्स, जिहड़े मर्जी तरह के स्पोर्स ने जिहड़े वो बना लैंदी है, एंड दैट विल मल्टीप्लाई बाय द हेल्प ऑफ द स्पोर्स ओनली, इट विल नॉट अंडरगो द सेक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन। क्लियर? ओके, तो एक बार मैं इस फंजाई का भी फ्लो चार्ट है जिहड़ा वो थोनू बना के दिखा दिंदी हां। बेसीडियोमाइसिटीज, बेसीडियो माइसिटीज का फ्लो चार्ट भी देख लो, वैसे दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट स्टिल समझ आ जाती है ईजीली, ठीक है, इस करके बना रही हूँ। हूँ सब तो पहले की होया बेटे, अपने कोल की प्रेजेंट ने, स्पोर्स प्रेजेंट ने, ठीक है, अब बेसीडियो स्पोर्स या कोई भी स्पोर्स प्रेजेंट ने, ये स्पोर्स हैप्लॉयड ने, इन्हों स्पोर्स ने जर्मीनेट करके हाइफा बनाना शुरू करता, आ हाइफा है जी। हुण वो हाइफाज ने जिहड़े वो कितों दी भी कॉन्टैक्ट च आ गए, ठीक है, ये हाइफाज कॉन्टैक्ट च आए, इत्थे डाइकेरियोट स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो बन गई, ठीक है। हुण ये डाइकेरियोट स्ट्रक्चर तो बाद ये स्ट्रक्चर मिलिया, एंड अपने कोल इत्थे 2N स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो क्रिएट होगी, इस तो बाद इत्थे स्पोर्स जिहड़ी स्पोरस बॉडी है वो क्रिएट होई, एंड दैन वो स्पोर्स ने जिहड़े वो डिस्पर्स ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके दे नाल इहदे अंदर जिहड़ी रीप्रोडक्शन है वो चलती है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंजाई, जिदे अंदर आपने कहा कि वो अंदर ज या तो जनरली जिहड़े स्ट्रक्चर्स ने कोनीडियोस्पोर्स वो बनते हैं, या फिर वो सैक्सुअल रीप्रोडक्शन करता ही नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंजाई सेप्टेट है, ब्रांचड है, हाइफा फॉर्म होंगे है, सैल वॉल काइटिन की बनी हुई है, बाकी सारे फीचर्स सेम है, लेकिन वो अंदर सैक्सुअल रीप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? दीज आर द करेक्टर्स ऑफ द फंजाई, ठीक है, एंड फंजाई इज ओवर, ठीक है। अपना फंजाई वाला चैप्टर है जिहड़ा वो खत्म हो गया। हुण नैक्सट वी विल मूव ऑन विद द किंगडम प्लांटे, ठीक है। अपने की हो गया बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन के अंदर, वी हैव डन विद द मोनरा, वी हैव डन विद द प्रोटिस्टा, वी हैव डन विद द फंजाई, नाउ वी विल मूव ऑन विद द विद द हेल्प ऑफ किंगडम प्लांटे, ठीक है। फिर आप करांगे किंगडम एनिमेलिया, पहले प्लांटे करांगे देन एनिमेलिया करांगे, ओके। बट उस तो पहले आई थिंक मैं कोई एक डाउट क्लास लगाऊंगी फॉर टू चैप्टर्स, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, वो मैं थोनू इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, देन वी विल मूव ऑन, ठीक है।